हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूं सज्जाद अली और आज हम बात करेंगे कुछ मशहूर VFX सॉफ्टवेयर्स के बारे में। यहां बहुत सारे VFX सॉफ्टवेयर हैं जिसकी वजह से ये फैसला करना मुश्किल हो सकता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में अपना वक्त लगाकर सीखें जिससे आपका वक्त जाया ना हो। हर एक VFX सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी क्वालिटीज और फायदे होते हैं। इस वीडियो में आज हम कुछ VFX सॉफ्टवेयर के बारे में तफसील से बताएंगे। After Effects वो सॉफ्टवेयर है जो एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, VFX बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और After Effects एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। After Effects को एक्स्ट्रा और कूल ग्राफिक्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मुख्तलिफ किस्म के क्रिएटिव प्रोफेशनल फिल्म, TV और वेबसाइट, सोशल मीडिया की वीडियोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। After Effects एक VFX सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि इससे माइंड ब्लोइंग VFX बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे हम मास्किंग और कीइंग को दुरुस्त तरीके से बना सकते हैं और इसमें हम रोटोस्कोपिंग का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड को फोरग्राउंड से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम कैमरा ट्रैकिंग और मोशन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं जिससे हम आसानी के साथ कोई भी 3D एलिमेंट अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। After Effects आमतौर पर बेसिक कंपोजिटिंग, कलर करेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। After Effects VFX की बहुत सी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए After Effects बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। न्यूक इस वक्त VFX इंडस्ट्री में सबसे मशहूर कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि चाहे प्रोजेक्ट कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, न्यूक में वो सब टूल्स मौजूद हैं जो VFX के काम को मुकम्मल करने के लिए जरूरी होती है। न्यूक एक नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें 3D ट्रैकिंग और मॉडल बिल्डिंग जैसी सहूलत के साथ बहुत कुछ मौजूद है। After Effects और न्यूक में फर्क सिर्फ ये है कि After Effects एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और न्यूक एक नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। After Effects के मुकाबले में न्यूक एक एडवांस सॉफ्टवेयर है। यह VFX आर्टिस्ट और VFX स्टूडियोज की डिमांड्स के मुताबिक बेहतरीन VFX कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। बेमिसाल और बेहतरीन परफॉर्मेंस जो कि मॉडर्न प्रोडक्शन वर्क की जरूरियात को पूरा करती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जितने बड़े प्रोजेक्ट इतनी ही ज्यादा इनकी डिमांड होती जा रही है। इसके नोड बेस्ड वर्कफ्लो का इस्तेमाल करते हुए न्यूक हर वो चीज फराहम करता है जिससे आर्टिस्ट को काम निमटने में जरूरत होती है। इसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की रोटोस्कोपिंग, कीइंग, कलर करेक्शन और ट्रैकिंग की सहूलत भी मौजूद है, इसलिए ये एक बेहतरीन VFX कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको फिलहाल दुनिया के बेहतरीन स्टूडियोज इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक मैजिक फ्यूजन भी VFX आर्टिस्टों के लिए एक बेहतरीन कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसके साथ ब्रॉडकास्ट, मोशन ग्राफिक डिजाइनर, 3D एनिमेटर्स के लिए भी यूजफुल है। ये आमतौर पर TV सीरीज, मूवीज और कमर्शियल के विजुअल इफेक्ट और डिजिटल कंपोजिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पिछले 30 सालों में एंडलेस हॉलीवुड की फिल्मों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हॉलीवुड की सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर और सबसे हिट टेलीविजन शोज भी फ्यूजन को अपने विजुअल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे बहुत सी हॉलीवुड की फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि द हंगर गेम, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। इस प्रोग्राम से आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, तस्वीरों को रिटच के साथ टाइटल को भी एनिमेट कर सकते हैं और इसमें पार्टिकल इफेक्ट भी बना सकते हैं। फ्यूजन में मैसिव टूलसेट है जो VFX आर्टिस्टों को अपना मतलूबा काम निपटाने में मदद देता है। इसमें 3D वर्क स्पेस के साथ कंपोजिटिंग, कीइंग, एनिमेशन और बहुत कुछ शामिल है। आप इसमें 3D मॉडल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्यूजन का इंटरफेस भी नोड बेस्ड है जो कि एक फ्लो चार्ट की तरह होता है। फ्लेम भी दूसरे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह एक यूनिक और हाई एंड VFX कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे पोस्ट प्रोडक्शन के अमल को अकेला संभाल सकता है, जिसमें वीडियो एडिटिंग, कलर करेक्शन, VFX कंपोजिटिंग और मोशन ग्राफिक्स शामिल है। ये एडवर्टाइज एजेंसी के लिए बहुत अहम रहा है और फिल्म डायरेक्टर 20 साल के अरसे से भी ज्यादा अपनी फिल्म के लिए हाई एंड VFX तख्लीक करने और अपनी फिल्म को मुकम्मल करने के लिए इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फ्लेम के आर्टिस्ट बिग बजट फिल्म पर काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर बदकिस्मती से इस वक्त फ्लेम के यूजर्स या आर्टिस्ट ना होने के बराबर हैं, जैसे दूसरे होते हैं जो न्यूक, फ्यूजन, After Effects का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सॉफ्टवेयर की कीमत $4,000 है इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले में बहुत महंगा है। लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि फ्लेम से कोई काम नहीं होता। फ्लेम अब भी बिग प्रोजेक्ट पर काम करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा हिट फिल्म प्रो सॉफ्टवेयर भी मार्केट में मौजूद है, जिसमें 3D कंपोजिटिंग, VFX, मोशन ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग जैसे कामों को अंजाम दिया जा सकता है। इसके साथ नेट्रॉन भी एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें डिजिटल कंपोजिटिंग के काम के साथ 2D और 2.5D कंपोजिटिंग को भी हैंडल कर सकता है।